तो मैं स्क्रीन भी शेयर कर रहा हूँ। स्टूडेंट आ रहे हैं आस्ते आस्ते। आज हमारा ये लेक्चर नंबर 13 है, मार्च 31, 2020। सेक्शन 4.6 से लेकर हमने 4.8 तक कवर करना है, और टॉपिक जो है वो बेसिकली परफॉर्मेंस ऑफ सेकंड ऑर्डर सिस्टम। तो सेकंड ऑर्डर सिस्टम जो है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसमें अब ये देखना है कि हाउ टू कैलकुलेट राइज टाइम, पीक टाइम, सेटलिंग टाइम और ओवरशूट। तो ये हमारे जो है ना मेन टॉपिक्स हैं। मैं आपको बुक के अंदर से दिखाता हूँ। वैसे तो ये है कि सिर्फ स्लाइड में अगर आपको दिखा दूं तो आपको काम चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ अगर यू लुक एट द स्लाइड्स, तो ये इस तरह के एक्सप्रेशंस हैं जो कि आपकी बुक में गिवन है। फॉर एग्जाम्पल, इस इक्वेशन नंबर 4.44 और 4.45 ये पीक टाइम की इक्वेशन है। पीक टाइम इज इक्वल टू पाई ओवर ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वेयर, ठीक है। और दिस इज इक्वल टू पाई ओवर, ये जो नीचे वाला एक्सप्रेशन है आपको पता है कि दिस इज इक्वल टू ओमेगा डी, डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी। ओमेगा डी इज कॉल्ड डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी क्योंकि इसमें डैम्पिंग इफेक्ट आ चुका है। और अगर हम ओमेगा एन को लें तो ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, इसमें डैम्पिंग नहीं होती। तो जब भी ये डैम्पिंग फैक्टर या ओमेगा एन से मल्टीप्लाई होता है तो ओमेगा डी बन जाती है। तो टीपी इज डिपेंडेंट ऑन ओमेगा डी, ठीक है ना। तो यानी पीक टाइम को अगर आपने कम करना है तो क्या करेंगे, ओमेगा डी को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। आवाज आ रही है मेरी आपको? तो टी पी जो है वो पाई ओवर ओमेगा डी, ओमेगा डी जितना ज्यादा होगा पीक टाइम कम हो जाएगा। उसके बाद जो सेटलिंग टाइम है, इसकी एक्सप्रेशन है 4 ओवर जीटा ओमेगा एन। तो अब सेटलिंग टाइम इज बोथ डिपेंडेंट ऑन जीटा एंड ओमेगा एन, ठीक है। इसको नॉर्मली सिग्मा डी से लिखते हैं, अगर ये एक्सप्रेशन ना लिखे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि 4 ओवर जीटा ओमेगा एन यानी सेटलिंग टाइम जो है आपका जीटा और ओमेगा एन पर डिपेंडेंट है। और जीटा एन आपको पता है कि रियल पार्ट होता है आपके आपके पोल का। जिससे पिछले पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि ये जीटा है, ओमेगा एन है यहाँ पे, ठीक है ना। तो जीटा ओमेगा एन इज द रियल पार्ट ऑफ योर पोल्स, और जीटा जो होता है वो कोसाइन ऑफ थीटा होगा, या मतलब इनवर्स जीटा इज इक्वल टू कोसाइन ऑफ थीटा। थीटा जो है आपका ये एंगल है जो ओमेगा एन वेक्टर जो है वो बना रहा है, जिसका ये ओरिजिन से लेकर तो पोल तक जो लाइन बन रही है वो ओमेगा एन है, ठीक है। तो थीटा जो है वो इसके इक्वल है। थीटा का जब हम कोसाइन लेंगे तो आपके पास डैम्पिंग रेशियो आ जाता है, ठीक है। और ओमेगा एन किसके बराबर, हमें दो पैरामीटर चाहिए ना, जीटा और ओमेगा एन। तो उसके लिए हमें सिग्मा डी चाहिए। ये वाला सिग्मा डी किसके बराबर है, जीटा ओमेगा एन के बराबर है, ठीक है। और ओमेगा डी किसके बराबर है, ये ओमेगा डी है। और ओमेगा डी जो है वो ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वेयर। तो इन दोनों का स्क्वेयर करेंगे तो ओमेगा एन आ जाएगा। तो दो चीजें आपको चाहिए, ओमेगा एन चाहिए और थीटा चाहिए, दोनों चाहिए। पोल आपको पहले से पता है तो फिर आपने इसको लाइन को खींचा इस तरह, और इस तरीके से आपने ये जो है जे ओमेगा कोऑर्डिनेट निकाल लिया, फिर इस तरह आपने ये सिग्मा डी वाला कोऑर्डिनेट निकाल लिया, इसका स्क्वायर कर रहे हैं, इसका स्क्वायर कर रहे हैं, अंडर रूट लें तो ओमेगा एन आ जाता है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज है। उसके बाद अब ये पीक टाइम भी ओमेगा डी पर डिपेंडेंट है, सेटलिंग टाइम जीटा ओमेगा एन पर डिपेंडेंट है। सिंस ओवरशूट इज अ फंक्शन ओनली ऑफ द डैम्पिंग रेशियो, इट इवेंचुअली इज डिपेंडेंट डिपेंड्स ओनली ऑन थीटा, ठीक है। तो ओवरशूट जो है वो थीटा पर डिपेंडेंट है। तो थीटा क्या चीज है, थीटा जो है ना आपका ये वाली लाइन, ये एंगल है। तो आप देख रहे हैं कि जो जीटा है वो कोसाइन थीटा पर डिपेंडेंट है। जैसे ही हम थीटा को चेंज करेंगे, कोसाइन लेंगे, जीटा चेंज हो जाएगा। अब अगर पोल जो है यहाँ से इधर आ जाए इस जगह पर, तो वो लाइन ऐसे बनेगी, ठीक है, उसका थीटा बढ़ जाएगा यहाँ पर। तो डैम्पिंग रेशियो क्या हो जाएगी फिर, क्योंकि अगर एंगल बढ़ेगा तो कोसाइन कम हो जाता है और डैम्पिंग रेशियो जो है वो कम हो जाएगी। तो थीटा जितना कम होगा, यानी अगर आइडियली अगर हम थीटा जीरो ले लें तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी।
थीटा को बिल्कुल जीरो कर दें तो ये पोल इस जगह पे आ जाता है, ये लाइन खत्म होगी, ऐसे मतलब हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। उस केस में आपकी डैम्पिंग रेशियो जो है वो मैक्सिमम। तो थीटा की वैल्यू पर डिपेंड कर रही है। अब ओवरशूट जो है वो जीटा पे डिपेंडेंट है, तो इसका मतलब है कि जीटा को हम चेंज करेंगे तो ओवरशूट चेंज होना शुरू हो जाएगा। ये चीज हम पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे ये देख रहे हैं इस जगह पे, ये आपका ओवरशूट है जिसमें जीटा पर डिपेंडेंट है। जीटा की वैल्यू अगर 0.1 होगी तो सबसे ज्यादा ओवरशूट होगा, ठीक है, और जीटा अगर 0.8 हो रहा है तो उसकी वैल्यू जो है वो कम हो रही है। तो ये परफॉर्मेंस पैरामीटर्स हैं, मतलब आपके राइज टाइम, पीक टाइम और ओवरशूट, ठीक है, और सेटलिंग टाइम। इस तरीके से राइज टाइम का इसने फार्मूला नहीं बताया यहाँ पे, अच्छा उसको बाद में देखते हैं, पहले इसका इफेक्ट देख लेते हैं कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पीक टाइम, सेटलिंग टाइम एंड ओवरशूट। अच्छा जी, तो अब आप देखें कि ये जो ब्लू कलर की लाइंस हैं ये क्या शो कर रही हैं यहाँ पे, है यानी कौन बताएगा? कितने पार्टिसिपेंट्स हो गए? 11 हो गए हमारे पास स्टूडेंट हैं। जी सर, हाँ कौन कौन आ चुके हैं? जुहैब आ गए, अब्दुल मोहीद, अजील एजाज, अहमद सुबहानी, हरीब रुकमान, चौधरी, जैन चीमा, हैदर शाह, मलिक फहीम, मोहसिन रजा और मोहम्मद अब्दुल्ला। बाकी लोग किधर है? आज काम है काफी सर, कॉल की है, मेरे ख्याल से सोए हुए हैं तो आ नहीं रहे। अच्छा चले हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब ये है कि अब हमें देखना है कि पोल जो होगा उसकी लोकेशन बदल रही होगी ना, रियल टाइम सिस्टम जो होगा पोल की लोकेशन कहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो फिलहाल हम ये देखना चाह रहे हैं कि पोल पोल आप देख रहे हैं ना पिछली स्लाइड में, अगर हम चलें दोबारा इसको जरा गौर से देखें कि ये पोल जो है वो अपनी पोजिशन बदल रहा है, कभी इधर आ रहा है, कभी उधर है, उधर है, डिपेंडिंग अपॉन द सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन। वो इधर भी हो सकता है, वो पोल इधर भी जा सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो जैसे ही पोल चेंज होगा तो उसकी ये लाइन जो है ना वो एंगल चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस इफेक्ट को देखने के लिए आप देख रहे हैं कि ये एक लाइन है यहाँ पे, तो पोल सपोज इधर इस जगह पर इसकी लाइन हमने खींची ऐसे, तो इसके एंगल आ गए और उसके करस्पॉन्डिंग आपको पता है कि ओवरशूट आ जाता है, तो इसका ओवरशूट है। फिर अगर हम इसका एंगल चेंज हो जाएगा तो ओवरशूट की लाइन ये बदल जाए बन जाएगी, ठीक है। अच्छा इसी तरीके से ये मैं आपको इस एग्जाम्पल से दिखाता हूँ, ये पहले इसको देख रहे यहाँ पे, यहाँ पे ना पोल्स को चेंज कर रहे हैं, पोल्स की लोकेशन को ना। आप ये देखें कि अगर पोल जो है ना वर्टिकल चेंज हो रहे हैं, ठीक है, पोल जो है वो वर्टिकली चेंज हो रहा है, इससे क्या चीज चेंज हो रही है? पोल्स अगर ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो कौन सी चीज चेंज हो रही है? राइज टाइम चेंज हो रहा है, ये पीक टाइम चेंज हो रहा है, ये सेटलिंग टाइम चेंज हो रहा है, ओवरशूट चेंज हो रहा है, कौन सी चीज? इस ये देखें ना 1, 2, 3 को अगर गौर से देखें तो कौन सी चीज चेंज हो रही है? रियल पार्ट सेम रहेगा, ठीक है, रियल पार्ट, हाँ रियल पार्ट में कोई चीज चेंज नहीं हो रही, लेकिन ये इसका ओमेगा डी चेंज हो रहा है। ये देखें 1 का ओमेगा डी कुछ और है, 2 का ओमेगा डी कुछ और है, 3 का ओमेगा डी कुछ और है। तो ओमेगा डी से कौन सी चीज चेंज होती है सर? ओवरशूट। ओमेगा डी से देखें ना ये वाला फॉर्मूला देखें ना, तो पीक टाइम चेंज हो रहा है, ठीक है सर।
इसी तरीके से ये सिग्मा डी अगर चेंज होगा तो उसकी वजह से कौन सी चीज चेंज होगी, सेटलिंग टाइम। सिग्मा डी क्या चीज है? हाँ, जीटा ओमेगा, यानी रियल पार्ट। ये जीटा ओमेगा एन जो है वो बेसिकली रियल पार्ट है, ठीक है। जीटा ओमेगा एन इज योर रियल पार्ट ऑफ योर पोल, ठीक है। तो रियल पार्ट अगर आगे पीछे मूव करता है तो उसकी वजह से आपका सेटलिंग टाइम चेंज होगा। ये देख, यहाँ अब आप देख रहे हैं ना कि अगर ये वाली सिचुएशन बन गई, वन से हम टू पे चले, वन का रियल पार्ट ये वाला है, टू का रियल पार्ट ये है, ठीक है ना। हम कॉम्प्लेक्स फोर्स को देख रहे हैं क्योंकि सेकंड ऑर्डर सिस्टम है। सेकंड ऑर्डर सिस्टम में आपको बताया कि फोर्स आर कॉम्प्लेक्स एंड कंजुगेट अंडर टाइम सिस्टम। तो यहाँ पे इसको देखें, इसका रियल पार्ट कुछ और है, इसका रियल पार्ट कुछ और है। इसका मतलब अगर हम वन से टू पर जाए तो कौन सी चीज चेंज हो रही है? सेटलिंग टाइम, ठीक है। हाँ, क्योंकि रियल पार्ट ये जो इसका रियल पार्ट है ना वो जीटा ओमेगा एन, इसका कुछ और है, इसका कुछ और है। इसका जीटा ओमेगा एन बढ़ गया, इसका जीटा ओमेगा एन कम। तो टू के केस में अगर आपने ओवरशूट को कम करना है, ये देख, ओवरशूट को अगर आपने कम करना है तो आपने क्या करना है, रियल पार्ट को इस तरह मूव करते जाएंगे, यानी लेफ्ट हाफ प्लेन से, लेफ्ट हाफ जो लाइन, ये जो प्लेन है ये आपको वर्टिकल इमेजिनरी एक्सिस, इससे आप दूर होते जाए। तो जितना आप इससे दूर होते जाएंगे आप उतना ही ओवरशूट जो है आपके सिस्टम का कम होता जाएगा। देखिए, वन का ओवरशूट, वन जो है वो इस वर्टिकल लाइन के ज्यादा करीब है, टू जो है वो इससे दूर चला गया। इसका मतलब है इसका रियल पार्ट कम था, इसका रियल पार्ट नेगेटिव, यानी नेगेटिव डायरेक्शन में आप जितना दूर जा रहे हैं आपका ओवरशूट कम होता जा रहा है, ठीक है। तो ये इसको इसको कहते हैं कांस्टेंट सेटलिंग सेटलिंग टाइम, कांस्टेंट सेटलिंग टाइम। अगर आप, ठीक है, तो ये टी एस लाइन है आपकी ना, उसके बाद ये कांस्टेंट पीक टाइम, ये इसको हम कह रहे हैं। अच्छा, उसके बाद आप देखें, अब ये इस लाइन पे अगर आप मूव कर रहे हैं तो कौन सी चीज चेंज हो रही है, ये कौन सी चीज नहीं चेंज। इस केस में आप देखें, इस केस में आपका थीटा जो है वो एक ही है कि नहीं, क्योंकि इस पूरी लाइन पर अगर हम जाएं तो उसका थीटा जो है, एंगल जो थीटा है वो सेम रहेगा। यस सर। तो थीटा जब सेम रहेगा तो कौन सी चीज सेम रहेगी? जीटा सेम रहेगा। जीटा जब सेम रहेगा, जीटा क्या चीज है? डैम्पिंग रेशियो, ठीक है। तो जीटा जो है वो आपकी डैम्पिंग रेशियो जब सेम रहेगी तो इसका क्या मतलब हुआ कि ओवरशूट जो है आपका सेम रहेगा, ठीक है जी। तो आप देख रहे हैं कि अगर हम वन से टू पर जाएं तो कौन सी चीज बदल रही है, वन से टू पर जाए तो कौन सी चीज बदल रही है? वन को देखें, वन को ना, वन का अपना एक रियल पार्ट है, अपना एक इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। जब हम टू पे जाएंगे तो टू का अपना एक रियल पार्ट है, टू का अपना एक इमेजिनरी पार्ट है। हाँ जी, ये लाइनें ना लगाएंगे, किसमें लगाएंगे अभी? सिर्फ आप लोगों को देखना चाह रहा हूँ आप कितने रिस्पॉन्सिबल हो, कितने सेंसिबल हो, ठीक है। वी ऑल नो दोस थिंग्स को अनम्यूट करके मैं सारी चीजें कर सकता हूँ, मैं मीटिंग्स को लॉक भी कर सकता हूँ कि इसके बाद अब 8:16 के बाद कोई शख्स जो है ना वो ज्वाइन ना कर सके, ठीक है ना, दिस इज पॉसिबल। तो लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको जिस चीज को, मतलब अच्छे स्टूडेंट है वो उस चीज को रियलाइज कर लेते हैं कि एक जो रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर होता है ना, जिम्मेदारी में सेंसिबल आदमी हो, तो वो हमने सीखनी है। मतलब कब तक हम जो है ना वो, अब हम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं तो कब तक हम अपने आप को इमेच्योर शो करते रहेंगे ना, वो चीज़ गलत है, ठीक है। तो जिस किसी ने भी ये काम किया है उसने बहरा गलत काम किया है, तो मैं उसका नाम भी बता सकता हूँ यहाँ पे ना, जिसने दिया ये, ठीक है। लेकिन हाँ, जो हमारे भाई वो, उन्होंने ना हमें ट्रेनिंग दी है कि भाई जो बंदा भी कर सकता है ना, इसको कहते हैं एनोटेशन ना, तो एनोटेटर का नाम बताया जा सकता है कि किसने किया है। बहरहाल, तो अच्छा, अब हमारा ये एंगल जो है इसका कांस्टेंट एंगल, एंगल कांस्टेंट होने की वजह से, चाहे अब पोल जो है अपने रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों चेंज कर रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि उसकी जो डैम्पिंग रेशियो है वो
सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि उसका एंगल नहीं चेंज हो रहा, इस पूरी लाइन पे आप देख रहे हैं रियल पार्ट चेंज हुआ, यानी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट चेंज होने से उसके ऊपर जो हमने देखा था कि सेटलिंग, अब दोनों चीजें इकट्ठी हो रही हैं। इस केस में क्या हो रहा था कि रियल पार्ट सेम था, इस केस में क्या हो रहा है कि रियल पार्ट चेंज हो रहा है, इस केस में क्या था कि इमेजिनरी पार्ट जो है ओमेगा डी जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है ना। ओमेगा डी इसका ओमेगा डी इधर है, ओमेगा डी वन, ओमेगा डी थ्री, ये आपके उस पीक टाइम को इफेक्ट कर रहे हैं और ये सेटलिंग टाइम को इफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब है जब इस कांस्टेंट डैम्पिंग लाइन पे मूव करते हैं तो हमारे सेटलिंग और पीक टाइम दोनों चेंज हो रहे हैं, लेकिन हमारा डैम्पिंग रेशो जो है ना एक ही रहती है और उसकी वजह से हमारा कांस्टेंट ओवरशूट आएगा, ठीक है जी। ये तीन चीजें के लिए देख रहे हैं आपके सामने, इसका जो सिस्टम का रिस्पॉन्स है, ये जो पहले नंबर वाले पोल्स हैं दो वन वन टू टू और थ्री थ्री, तो इसका देखें कि वन वन जो है ना ये वाली लाइन है, ये देख रहे जा रही है, ठीक है ना। अब इसका इसका कौन सी परफॉर्मेंस इफेक्ट हुई है, मतलब इसके इस डायग्राम को देखें, इस ग्राफ को देखें, तो कौन सी चीज जो है परफॉर्मेंस पैरामीटर्स कौन से हैं, राइज टाइम, पीक टाइम, सेटलिंग टाइम और ओवरशूट, इन तीनों को देखें ग्राफ को, तो तीनों का ओवरशूट तकरीबन तीनों का सेम है, पीक वैल्यू तीनों की सेम है, लेकिन और कौन सी चीज इफेक्ट हो रही है, वन को वन से जब हम टू पर जा रहे हैं, यानी पोल अगर वन से टू पर जा रहे हैं तो आपका ग्राफ जो है इधर से इधर आ गया, तो कौन सी चीज चेंज हुई है, राइज टाइम कम है और वन के केस में इसका भी देख लॉन्ग टाइम ले रहा है ना, ये फौरन इस जगह पे पहुंच जाता है राइज टाइम, इसका राइज टाइम इसकी प्रोजेक्शन ले लें इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे तो आपको राइज टाइम मिल जाएगा, यानी 10% से 90% के दरमियान जाने में जो टाइम लग रहा है इसका कम है और सिस्टम वन है उसका। अब चूंकि जब पोल चेंज होते हैं तो सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन चेंज हो जाता है, इसका मतलब ये सिस्टम वन है, ये सिस्टम टू है, ये सिस्टम थ्री है, तो सिस्टम थ्री का राइज टाइम सबसे कम है, ठीक है ना, देख रहे हैं ना आप, तो इसका मतलब है कि पोल अगर इस जगह पे होगा तो उसका राइज टाइम सबसे कम होगा। अब इनके ओवरशूट जो है तीनों के सेम है क्योंकि तीनों की पीक वैल्यू सेम है। सेटलिंग टाइम जो है वो हम निकाल सकते हैं, सेटलिंग टाइम के लिए हमें जो फार्मूला है वो फार्मूला क्या था हमारे पास सेटलिंग टाइम का, जीटा ओमेगा एन, जिसका हाँ तो जिसका जीटा ओमेगा एन बढ़ता जा रहा है उसका सेटलिंग टाइम जो है वो कम होता जा रहा है, ठीक है। इनकी इन फार्मूलाज की डेरिवेशन भी आपकी बुक में गिवन है सेक्शन 4.6 के अंदर, ठीक है। अब ये देखें ये नोटेशन कितनी गड़बड़ कर रही है ना, इसको मिटाया जा सकता है कहीं, तो अब हम इसको समराइज करते हैं। अब हमने तकरीबन सेकंड ऑर्डर सिस्टम को काफी स्टडी कर लिया, अब हम हायर ऑर्डर सिस्टम की तरफ जाते हैं, थर्ड ऑर्डर सिस्टम में तो क्या होगा, तो सेकंड ऑर्डर सिस्टम हमारे पास दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स ओमेगा एन और जेटा, और जनरल फॉर्म ऑफ ट्रांसफर फंक्शन इज ओमेगा एन स्क्वायर ओवर एस स्क्वायर प्लस टू जेटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, ठीक है। और इसकी जो है ना पोल की जो लोकेशन होती है उसके लिए वी नीड टू थिंग्स, वन इज ओमेगा डी, द अदर इज जेटा जेटा सिग्मा डी, ठीक है। सिग्मा डी इज इक्वल टू जीटा टाइम्स ओमेगा एन, और ओमेगा डी जो है वो